जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार मद निषेध सिपाही की नई भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स की क्लास को भी अटेंड करें, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स की क्लास डेली सुबह 6 बजे होती है और सभी सेशन के PDF टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, भारत के मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर कितनी भाषाएँ हैं? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो आप लोग इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि ये 100 का नोट है और ये जो भाषा पैनल है इसी पे बताना है इसमें कितने भाषाओं को अंकित किया गया है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। करेंसी नोट में पैनल पर 15 भाषाएँ होती है जो नोट के पीछे की तरफ दिखाई देती है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान में व्यापार करने की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो देखिए, बात करें दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो भारतीय संविधान में राज्यों के बीच व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आयरलैंड देश के संविधान से क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? यहाँ पे प्रदूषण नहीं होगा, चलिए आंसर करेंगे, टाइपिंग एरर था। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो देखिए, हाइड्रा में मुकुलन प्रजनन होता है। तो मुकुलन को क्या बोलते हैं? नवोदित। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? चलिए आंसर करते जाएंगे, कौन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो देखिए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत रत्न जो है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 से इसकी शुरुआत होती है। और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए, अरविंद अडिगा जो है वाइट टाइगर के लेखक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इन्होंने इस पुस्तक के लिए 2008 में बुकर पुरस्कार भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी साइट गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी है? यानी कि आपको बताना है कौन सा स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है बांग्लादेश ढाका में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कब हुई थी? तो 1985 में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। और सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को एक बार दिल से लाइक करें और सेशन को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करें।
तो देखिए बात करें संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय तो आप सभी जानते हैं न्यूयॉर्क में है, WTO WHO मुख्यालय पूछा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बात करें वर्ष का सबसे लंबा दिन तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और बात करें दक्षिणी गोलार्ध में तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होता है। तो ऑप्शन में 21 जून दिया गया है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, किसके द्वारा मनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा, देखिए 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे, और देखिए सेशन के एंड में आप लोगों को अपना अपना स्कोर जरूर करना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए ताशकंद समझौता जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता था जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया जो कि अब उज्बेकिस्तान में है, तो सही जवाब है 1966। श्रमिक दिवस मनाया जाता है, चलिए आप सभी आंसर करते जाएंगे, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए 12 नंबर प्रश्न का आंसर है 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है, और सर्वप्रथम 1886 में शिकागो में 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, जैसे कि एक हो गया श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे और दूसरा है कोलंबो। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि विधिक राजधानी कौन सी है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNO के सुरक्षा परिषद में खाली स्थान अस्थाई सदस्य होते हैं। तो देखिए UNO के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थाई सदस्य होते हैं? तो 5, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप सभी 16 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखना है, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो विश्व मधुमेह दिवस। 30 जनवरी को याद रखना है शहीद दिवस, इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? चलिए आप सभी आंसर करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ये टिहरी बांध है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और ये विश्व का 8वां सबसे ऊंचा बांध है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध पर याद रखना है विद्युत उत्पादन की क्षमता 1000 मेगावाट है, और ये बांध कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा
इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस होती है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, पुलिस द्वारा जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है अश्रु गैस, उसमें क्लोरीन गैस मिला होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, हम 21 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। घरेलू प्रसिद्ध रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सा प्रसिद्धक प्रयोग में लाते हैं? चलिए आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः फ्रियोन गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? चलिए आप सभी 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तो देखिए, इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, क्या याद रखना है, पिताजी को याद रखना है। पी से पीतल हो गया, त से तांबा और जी से जिंक हो गया, यानी कि तांबा और जिंक के मिश्रण से पीतल बनता है। तो सही जवाब 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जस्ता और तांबा। अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, अम्लीय वर्षा में प्रायः सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में होता है, तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन। सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र होता है H2SO4, यह सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। समुद्री शैवाल में क्या होता है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो देखिए, समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? चलिए आंसर करेंगे 27 के लिए। तो देखिए, ये होता है कैरोटीनॉइड के कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कैरोटीनॉइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? और देखिए, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो परावैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है फाइकोसाइनिन। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो देखिए, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप उभयलिंगी श्री कहलाता है, जो कि ऑप्शन दिया गया है किसमें, सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप, जल, क्लोरोफिल, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, तो सही जवाब है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की पत्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? तो आपको सिंपली बताना है कि चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है। तो चाय की पत्तियों में कैफीन होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तारिक रेखा कौन सी है? चलिए, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तारिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री या देशांतर को बोला जाता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? तो देखिए, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है, तो इसका सही जवाब होगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, और इसके अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन आ जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आर्थिक समीक्षा खाली स्थान प्रकाशित करता है? चलिए, आप सभी 35 के लिए आंसर करेंगे। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक वार्षिक दस्तावेज है। तो भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है, ये वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। आजन्म शब्द का समास क्या होगा? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, अगर आप लोगों ने समास को पढ़ा होगा,
तो आप लोग आराम से आंसर करेंगे। आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जन्म भर यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। कृतघ्न शब्द का अर्थ बताएं, तो देखिए कृतघ्न शब्द का अर्थ जो होगा एहसान फरामोश, डी ऑप्शन सही जवाब है। गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक कौन सा है, यानी कि हिमालय से जो है इसमें रेखांकित शब्द जो है ये हिमालय से इसमें कौन सा कारक है, तो यहाँ पे देखिए से आ रहा है तो कर्ता ने, कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आपादान से, यहाँ अलगाव हो रहा है, गंगा जो हिमालय से निकलती है यानी अलगाव का बोध है, तो यहाँ पे आपादान कारक होगा ना कि करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो देखिए मोक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा छुटकारा, ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए तथापि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस अपि, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 40 प्रश्न को ही कवर किया, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।